हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलीगल सेफ्टी मैनेजमेंट स्टडी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैथोडिक प्रोटेक्शन। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरे इस चैनल में बिल्कुल नए हैं, पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ दोनों टेक्निकल और लीगल आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक के लिए, यानी कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्या है कैथोडिक प्रोटेक्शन? फ्रेंड्स, कैथोडिक प्रोटेक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे करोजन को कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि अंडरग्राउंड पाइपिंग स्ट्रक्चर्स, शिप के हल इत्यादि। मेटल पार्ट्स को करोजन से बचाने के लिए वैसे दो तरीकों का यूज़ करते हैं। पहला है सरफेस कोटिंग, जो कि अबव ग्राउंड पाइपिंग स्ट्रक्चर टैंक्स इत्यादि में यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका जो होता है वो अंडरग्राउंड पाइपिंग के लिए होता है, जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। कैथोडिक प्रोटेक्शन एक तरीका है जिससे अंडरग्राउंड पाइपिंग टैंक्स स्ट्रक्चर्स इनका हम प्रोटेक्शन करते हैं करोशन के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन टॉपिक में। हम आगे देखेंगे करोजन किसे कहते हैं, करोजन होने के क्या क्या कारण होते हैं, करोजन के क्या प्रकार हैं और करोजन से बचाव के क्या तरीके हैं, यानी कि व्हाट इज करोजन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करोजन, टाइप्स ऑफ करोजन, करोजन प्रिवेंशन मेथड, जिसे हम कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, करोजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कि मेटल अपने आप को काफ़ी केमिकल स्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, जैसे कि उसके खुद के ऑक्साइड्स, उसके हाइड्रोक्साइड्स या सल्फाइड्स बनाकर। करोजन जो है एक केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को ही कहा जाता है। दोस्तों, हर एक केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसमें चार चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। एक होता है एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और एक मेटेलिक पाथ। मेटेलिक पाथ जिससे कि इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन एनोड और कैथोड जा सके। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कुछ मेन टर्म्स हम यहाँ देखेंगे, एनोड, कैथोड, मेटेलिक पाथ और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। दोस्तों, एनोड और कैथोड इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पी पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। डोंट पैनिक, पैनिक को आप ध्यान में रखिए। पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो इसको याद रखते हुए आप हमेशा मुझे नहीं लगता कि आप भूल पाएंगे कि भी एनोड पॉजिटिव है या नेगेटिव। सो पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो चलिए, कन्फ्यूजन तो दूर हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, एक पॉजिटिव जो होता है वो एनोड का होता है, नेगेटिव जो होता है कैथोड का होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, आप समझने की बात यह है कि भी करोजन होता है कैसे, करोजन प्रोसेस को कैसे अंजाम दिया जाता है, कैसे होता है करोजन। तो देखिए दोस्तों, एनोड जो है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव क्यों आया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड को देता है। सो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो जनरली क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स में लूज करा हो तो ये अपने आप को एनोडिक बना देगा, जिससे कि इसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एनोड जो है ये, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एनोड जो है, इट इज़ अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एनोड होता है, इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट योर करोजन प्रोसेस। क्यों हो रहा है, क्योंकि एनोड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोलाइट को दे रहा है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव आ गया है। और दूसरी जगह देखा जाए तो दैट इज कैथोड। कैथोड क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस है वो इसके सरफेस पे जाकर ये हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि इसके जो करोजन है वो करोजन होने से अपने आप को बचा लेता है। तो दोस्तों, यही एक बेसिक चीज़ है जिसमें हमको समझनी है कि एनोड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एक करोजन प्रोसेस ही है। और कैथोड जो है इसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है, जिस रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिससे कि करोजन होने से वो अपने आप को बचा लेता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि करोजन इफेक्ट होता है। पहला पॉइंट है इसमें पोजीशन इन गैल्वेनिक सीरीज। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एनोड जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एनोड में। सो देखिए, गैल्वेनिक सीरीज क्या है, गैल्वेनिक सीरीज है ये मोर एक्टिव मेटल से लेस एक्टिव मेटल को दर्शाता है। तो मोर एक्टिव मेटल क्या है और लेस एक्टिव मेटल क्या है? दोस्तों, जो ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसमें है, मीन्स जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है, या सबसे जल्दी जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऐसे मेटल एनोड कहलाएंगे, और ये मोर एक्टिव मेटल्स होते हैं गैल्वेनिक सीरीज के।
अगर मैं कहूँ कि ये भी एक फलाना मेटल, एक कोई मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम जिंक, ये मैं अगर कहूँ कि ये मोर एक्टिव मेटल्स है, इसका मतलब ये हुआ कि दोज मेटल्स, ये मेटल्स जो है ये एक एनोड का काम करेंगे और इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस काफ़ी जल्दी मात्रा में काफ़ी तेज़ी से होगा और ये अपने आप को करोड करेंगे। क्लियर दोस्तों? तो पोजिशन इन गैल्वेनिक सीरीज जो है ये अपने इन उन मेटल्स को दर्शाता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन प्रोसेस की करने की क्षमता हो, और वो ऐसे मेटल्स को हम कहेंगे मोर एक्टिव मेटल्स। ठीक है दोस्तों? सो अब दूसरा पॉइंट है रिलेटिव एरिया ऑफ द एनोड एंड कैथोड। सो देखिए, मैंने यहाँ पर बोल्ट में किया हुआ है, व्हेन द कैथोडिक एरिया इज लार्जर। कैथोडिक एरिया क्या है दोस्तों? कैथोडिक एरिया वो है जहाँ से हम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को वो पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, जितना कैथोडिक एरिया ज़्यादा होगा उसका डिमांड इलेक्ट्रॉन्स का भी ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा, डिमांड अगर ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि रेट ऑफ करोजन भी ज़्यादा होगा। सो वही हमने पॉइंट्स यहाँ पर दिखाया है कि रेट ऑफ करोजन इज ग्रेटर व्हेन द एरिया ऑफ कैथोड इज लार्जर, बिकॉज एरिया ऑफ कैथोड अगर लार्जर है तो उसमें डिमांड इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इसीलिए जो है एरिया बढ़ने से करोजन का भी टेंडेंसी, करोजन का रेट भी उसमें बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्योरिटी ऑफ मेटल। दोस्तों, एक बेसिक चीज़ हमें यहाँ समझने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है, करोजन जो होता है ये बिकॉज ऑफ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और मेटालिक पाथ की वजह से ही होता है। मीन्स एक छोटे छोटे इलेक्ट्रोलाइट सेल्स होते हैं जिनमें कुछ पोर्शन एनोड, कुछ पोर्शन कैथोड अपने आप को बना लेते हैं और जिसकी वजह से करोजन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, इसमें क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लोकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। देखिए दोस्तों, प्योरिटी ऑफ मेटल भी क्या करता है, अगर इम्प्योर मेटल है तो क्या होगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जनरेट होते हैं। अगर मैं एक एरिया की बात करूँ मेटल में, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ पोर्शन कैथोड एनोड, कैथोड एनोड, कैथोड एनोड बना हुआ है, तो उसमें क्या होगा, कैथोड और एनोड, तो जो रिएक्शन मैंने बताई थी कि क्या होगा, एनोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड की तरफ और एनोड जो पार्ट है वो रस्टेड हो जाएगा, एनोड जो पोर्शन है वो रस्टिंग होगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई एरिया है कहीं पर आपको दिखेगा कि काफ़ी रस्ट हो गया और कहीं पर आपको दिखेगा कि बिल्कुल रस्ट नहीं हुआ है। तो ये एक रीज़न है कि बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल, अगर इम्प्योर मेटल है तो उस एरिया में क्या होगा, वो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट करेगा जिससे कि उस जगह पर एनोडिक और कैथोडिक एरियाज बनने से वो अपने आप को करोड़ करेगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है पैसिविटी और पैसिवेशन। पैसिवेशन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है एक्टिव मेटल्स के। एक्टिव मेटल्स को हमने बताया था कि एक्टिव मेटल्स जो है जिसमें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है एक्टिव मेटल्स के, जैसे कि हम पैसिविटी या पैसिवेशन कहते हैं। ऐसे मेटल्स में क्या होता है कि इनमें हायर करोजन रेजिस्टेंस की क्षमता होती है और इसी को हम पैसिवेशन या पैसिविटी कहते हैं। जैसे कि हम नीचे में जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीजलॉयज, जिंक, ये क्या है, ये एक्टिव मेटल से पैसिविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम गैल्वेनिक सीरीज भी इसको बोल सकते हैं। गैल्वेनिक सीरीज में जो सबसे पहले सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अलॉयज दिया गया है, ये काफ़ी एक्टिव मेटल्स है, मोर एक्टिव मेटल्स, जिनमें कि ऑक्सीडेशन होने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकल। निकल क्रोमियम जो है ये कैथोडिक कैथोड सीरीज में आते हैं, और मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम ये एनोडिक रीजन में आते हैं। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, नेचर ऑफ मेटल के अलावा नेचर ऑफ द करोडिंग एनवायरनमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करोजन को प्रमोट करने में मदद करता है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होगा दोस्तों, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ करोजन भी इंक्रीज़ होगा। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन फास्ट होगा और रेट ऑफ आयन एक्सचेंज यानी आयन का मूवमेंट भी ज़्यादा होने से क्या है कि करोजन को ये आगे बढ़ा के या जल्दी इसको प्रोसेस करेगा। और दूसरा पॉइंट ये देखा गया है कि जो पैसिव मेटल्स है ये बिकम्स एक्टिव मेटल रहते हैं, यानी पैसिव मेटल्स जो है जो कैथोडिक नेचर के मेटल्स होते हैं वो हायर टेम्परेचर में जाने के बाद में वो एक्टिव मेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है जिसमें कि टेम्परेचर जो है करोजन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट।
दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का होना तो ज़रूरी है, अगर जहाँ पर भी आपका करोजन हो रहा है बिना इलेक्ट्रोलाइट के नहीं होगा। एक मीडियम चाहिए जिसमें कि एनोड और कैथोड रहे, तो दैट इलेक्ट्रोलाइट इट्सेल्फ यानी जो इलेक्ट्रोलाइट वो एक काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाता है। अगर करोजन होना है तो इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका कंडक्टिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ करोजन का जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोलाइट सिलिकेट आयंस है, सिलिकेट आयंस में से बना हुआ है, दे फॉर्म इनसॉल्युबल सिलिकेट एंड प्रिवेंट्स। फ्रेंड्स जो बाकी के एनवायरनमेंट के जो पॉइंट्स है जिससे कि करोजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलता है वो पॉइंट्स है प्रेजेंस ऑफ करोजिव आयंस, फ्लोरेट, ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ पीएच। इफेक्ट ऑफ पीएच की बात करें तो एसिडिक मीडियम ज़्यादा करोजिव होता है, करोजन को ज़्यादा प्रमोट करता है। वैसे ह्यूमिडिटी आपने देखा होगा कि ड्राई एटमॉस्फेयर है तो वहाँ पर आपको करोजन काफ़ी कम देखने को मिलेगा, जैसे ही आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर में रेट ऑफ करोजन बढ़ता है और करोजन की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी उस जगह पर। फ्लोरेट, फ्लोरेट अगर ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है कि जो अंदर जो इनसाइड फिल्म है, जो करोजन प्रोडक्ट है, करोजन प्रोटेक्टिव फिल्म है, वो आपकी डैमेज होगी जिससे कि करोजन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्लो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ करोजन। वैसे ही प्रेजेंस ऑफ करोजिव आयंस, करोजिव आयंस अगर ज़्यादा है तो ये भी क्या करेगा, करोजन को बढ़ाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं टाइप्स ऑफ करोजन। टाइप्स ऑफ करोजन मेनली दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म करोजन और एक दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म करोजन। यूनिफॉर्म करोजन एक कॉमन जगह पर देखा गया है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेटल लॉस होता है, और ये यूनिफॉर्म करोजन जो है नाम से पता चलता है कि ये यूनिफॉर्म दिखेगा हमको। अगर किसी सरफेस पे करोजन हुआ है तो आपको थ्रू आउट सरफेस जो है करोजन दिखता है, और ये यूनिफॉर्म करोजन का ही एक टाइप है। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक करोजन, यानी ओपन एटमॉस्फेयर में अगर कोई मटेरियल या कोई टैंक रखा हुआ है, जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, वो एग्जांपल है इसका यूनिफॉर्म करोजन का। दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स नॉन यूनिफॉर्म करोजन। नॉन यूनिफॉर्म करोजन जो है लोकलाइज्ड करोजन भी कहा जाता है इसको, यानी काफ़ी कम जगह पे आपको दिखाई देगा। इसके जो टाइप्स है एक तो है क्रेवाइज करोजन, क्रेवाइज करोजन इज ऑल्सो अ नॉन यूनिफॉर्म करोजन और लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ करोजन, जो कि देखा गया कहाँ पर हम देखते हैं इसको, जैसे वॉशर्स या बोल्ट हेड्स पे, गास्केट्स पे, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को रेस्ट्रिक्ट होता है, मीन्स ऑक्सीजन जहाँ पहुँच नहीं पाता है, ऐसे जगह पर वो करोजन देखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसी को हम लोकलाइज्ड करोजन भी कहते हैं, क्रेवाइज करोजन को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पिटिंग करोजन। पिटिंग करोजन भी एक नॉन यूनिफॉर्म करोजन है जो कि लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ करोजन कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पिटिंग ऑफ करोजन, पिटिंग करोजन में लोकलाइज्ड फॉर्म में एनोडिक और कैथोडिक रीजन्स बनते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर एनोड जोन में रस्टिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे कि होल या फिर कैविटी बनती है, और इसे ही हम पिटिंग करोजन कहते हैं। स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग जो है एक नेक्स्ट टाइप का करोजन है, इसे भी हम नॉन यूनिफॉर्म करोजन ही बोलेंगे, जो कि हायर टेम्परेचर की वजह से होता है। अगर रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ है या कहीं पर रेसिडुअल स्ट्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उस केस में आपको स्ट्रेस करोजन क्रैकिंग दिखाई देगा। फ्रेंड्स अब हम आते हैं करोजन प्रिवेंशन मेथड की ओर, जो कि कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बता दिया था आपको, कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है एक इफेक्टिव मेथड है करोजन को रोकने का, करोजन प्रिवेंशन मेथड है ना। करोजन प्रिवेंशन कैसे होता है, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें भी आपको बताई, एनोड कैथोड उसको कैसे याद रखा जाए, एनोड इज़ वॉट एंड कैथोड इज़ वॉट, एनोड इज़ पॉजिटिव कैथोड इज़ नेगेटिव। सो दोस्तों आगे बढ़ते इसमें देखते क्या है ये कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन से हम करोजन को स्टॉप कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो मेटल पार्ट है, अंडरग्राउंड पाइपिंग, टैंक, हल ऑफ शिप, वो करोजन से बचे रहे। फ्रेंड्स हमने देखा कि मेटल्स जो है वो करोड हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर और अदर इम्प्यूरिटीज़ में, अदर इम्प्यूरिटीज़ के चलते, जैसे कि सल्फर वगैरह हो गया। अगर हम विथआउट सीपी देखा जाता है, विथआउट कैथोडिक प्रोटेक्शन हम देखें, तो जो मैटर है वो अपने आप को एक एनोड की तरह ही एक्ट करता है, और एनोड हम पता है, हमें पता है एनोड क्या है। एनोड में होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पहले भी देखा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है दोस्तों,
ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है एक करोजन प्रोसेस है ना, करोजन प्रोसेस है जिसमें कि वो अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है। देखिए क्या है, मेटल्स जो है, अगर मेटल का नेचुरल फॉर्म देखा जाए तो क्या है, जो आयरन ओर्स वगैरह है, दीज आर ऑल केमिकली स्टेबल मेटल्स, है ना। आयरन जो है ये स्टेबल फॉर्म क्या है उसका, वो आयरन ओर ही है उसका स्टेबल फॉर्म। तो क्या करता है मेटल, अपना जो नेचुरल स्टेट है उसमें जाने की कोशिश करता है। और अगर विथआउट सी पी हम देखा जाए तो विथआउट सी पी हर एक मेटल जो है वो अपने आप को एनोड ही बना के रखता है, जिससे कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करे और अपने नेचुरल फॉर्म में चला जाए। सो फ्रेंड्स, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन का काम। कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है उस मेटल को, और एक्सटर्नली मेटल सप्लाई करेगा और उसको बना देता है कैथोड, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एक रिडक्शन प्रोसेस की तरफ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेसिक टर्मिनोलॉजीज कुछ, जैसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है दोस्तों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कहाँ होता है, एनोड में होता है, ठीक है। वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एनोड, एनोड वो मेटल का पार्ट है, मेटल है जिसमें कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, एन ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स ऑक्सीडेशन, दैट इज करोजन। रिडक्शन प्रोसेस क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कहाँ होता है, कैथोड में होता है, ठीक है दोस्तों। वेयर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कैथोडिक प्रोटेक्शन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्रिफिशियल एनोड मेथड और दूसरा होता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, ICCP। तो सेक्रिफिशियल एनोड मेथड जो फर्स्ट टाइप है, इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है सेक्रिफिशियल एनोड मेथड। अगर सपोज मुझे किसी मेटल को करोजन से बचाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने बताया कि हाईली एक्टिव मेटल क्या होता है, जो कि गैलोनिक सीरीज में सबसे ज़्यादा एनोडिक होता है, मैं उसको चूज़ करूँगा। अगर सपोज़ मेरे पास फेरस है, अगर मैं फेरस को आयरन पाइप है, फेरस को मैं बचाना चाहता हूँ करोजन से, तो मैं क्या करूँगा, उससे आगे वाला एक्टिव मेटल को मैं सर्च करूँगा। एक्टिव मेटल गैलोनिक सीरीज में कौन सा आएगा मेरा, मैग्नीशियम। तो मैं क्या करूँगा, मैग्नीशियम को चूज़ करूँगा और उसको मैं क्या करूँगा, कनेक्शन कर दूंगा दोनों से, फेरस और मैग्नीशियम को मैं कनेक्शन करूंगा, जिससे क्या होगा कि मैग्नीशियम मेरा एक्ट करेगा एनोड की तरह, वो हो जाएगा मेरा एनोड, और मेरा जो फेरस है वो हो जाएगा मेरा कैथोड। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो होंगे, कहाँ होंगे फ्रेंड्स, मैग्नीशियम से आपका फेरस की तरफ। इसीलिए मैग्नीशियम को यहाँ पर क्या कहा गया है, सेक्रिफिशियल एनोड, यानी वो क्या कर रहा है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है एज अ एनोड, और किसको बचा रहा है, वो फेरस को बचा रहा है रस्टिंग होने से। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे ये क्या करेंगे, फेरस को कैथोड जोन वहाँ क्रिएट होगा, और उससे क्या होगा, रिएक्शन होगा कैथोड में, दैट इज़ फेरस में, और वो अपने आप को बचा लेगा करोजन से। सो ये बहुत सिंपल है दोस्तों, सेक्रिफिशियल एनोड मेथड, जिसमें कि क्या होता है कि एनोड जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको देता है कैथोड को, और वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, इसलिए उसको सेक्रिफिशियल एनोड मेथड भी कहा गया है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों दूसरा प्रकार होता है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन। दोस्तों हमने पहला जो मेथड देखा था सेक्रिफिशियल एनोड मेथड, उसमें क्या होता है, अगर मेरा सपोज पाइप का साइज काफ़ी बड़ा है और मैंने कैथोडिक प्रोटेक्शन में सेक्रिफिशियल एनोड मेथड यूज़ किया है, दोस्तों क्या होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स मुझे उस कैथोड को चाहिए करोजन बचाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स मेरे को मिल नहीं पाएंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन में, कहाँ से, सेक्रिफिशियल एनोड से। तो मैं चाहूँगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग से डीसी सप्लाई देना पड़ेगा जो एक्सटर्नल मुझे लगेगा। तो अब क्या होता है कि जो सेटअप मेरा दोनों का सेम रहेगा, सेक्रिफिशियल एनोड में और इम्प्रेस्ड करंट मेथड में, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में मुझे एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, जिससे कि मैं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ा सकूं, जिससे कि मेरा जो मेटल जिसको मुझे करोजन से प्रोटेक्ट करना है, मैं उसको बचा सकूं। तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इम्प्रेस करंट मेथड में हमको एक अलग से डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में वो मदद करता है, और जिससे कि हम बड़े बड़े एरियाज़ के करोजन को, हम बड़ा एरिया सरफेस एरिया है उसको हम इम्प्रेस करंट मेथड से बचा सकते हैं। सो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आगे मैं सोच रहा हूँ कुछ लीगल पे मैं आपके लिए टॉपिक्स ले आऊँ, तो दोस्तों मैं इसके लिए पोल भी करूँगा। होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।